पीएम केयर फंड आजकल इशू में है, आपको पता है। इससे पहले एक हमारा पीएम नेशनल रिलीफ फंड पहले से बना हुआ था जो 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब पहले से हमारे पास इन सारे प्रोविजंस के लिए फ़ंड था, तो प्रधानमंत्री जी को पीएम केयर फंड क्यों बनाना पड़ा, और पीएम केयर्स फंड बनाने के बाद ये आरटीआई में आता है कि नहीं, इसके एक्सपेंसेस के बारे में हमें नॉलेज मिलेगी कि नहीं, ये सारे एक इशूज़ हैं जो हमारे सामने आते हैं। और ये न्यूज़ में इसीलिए आया क्योंकि अभी गवर्नमेंट से पूछा गया इसके एक्सपेंसेस और इसके डिटेल्स के बारे में अकाउंटिंग की, तो उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि आरटीआई के अंडर नहीं आता। तो आइए विदाउट डिले हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड पैंडेमिक है, कोविड-19 चल रही है, जिसके चक्कर में हमारे यहाँ भी पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसका सारा बेसिक हम जान लेते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना। पीएम केयर फंड और पीएम नेशनल रिलीफ फंड में क्या डिफरेंस है? पीएम केयर फंड न्यूज़ में कब आया? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 तारीख को अपने स्पीच में ये बोला कि भाई लॉकडाउन से पहले कि हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है और कोविड-19 के लिए हम एक नया फंड पीएम केयर्स बना रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म था प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड, ताकि कोई भी इस तरीके की एमरजेंसी या डिस्ट्रेस सिचुएशन आती है जैसे कोविड-19 पेंडेमिक में आई है, तो इस फंड को यूज़ किया जाएगा। ये बनाया गया कोविड-19 की एमरजेंसी में, लोगों ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया इस जगह। अब 28 मार्च को जब इन्होंने इस फंड के बारे में बात की तो तकरीबन डेढ़ मंथ के अंदर ही इसमें बहुत सारे लोगों ने फ़ंड डाल दिए, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इसमें पहुंच गए, क्योंकि इसमें टैक्स फ्री फंडिंग थी और कई सारे मेजर कॉरपोरेट सेक्टर्स थे जिन्होंने इसमें फ़ंड दिए। कौन कौन इसमें बेटा कंट्रीब्यूट कर सकता है? इसमें कोई भी कर सकता है, आम जनता भी कर सकती है। ₹10, ₹2, ₹10 से लेकर आप जितने रुपए तक चाहें उतने डोनेट कर सकते हैं। आप जो चाहें वो डोनेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप मदद करें सरकार की, स्मॉल फंड 100 रुपये 50 रुपये जो आपके पास हैं वो डाल सकते हैं और सरकार की मदद कर सकते हैं। तो ये डोनेशन है जो टैक्स एग्जेम्प्टेड है और कंपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR होता है। CSR क्या होता है? इसमें ये होता है कि बेटा अगर आप कभी कुछ करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, तो अगर जैसे आपका फ़ंड कुछ भी आ रहा है तो उसका 3 साल के क्वार्टरली का 2% एनम का, 3 साल के प्रॉफिट का तकरीबन 2% आपको सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना है, जो ह्यूमन वेलफेयर और इन्वायरमेंट के अगेंस्ट आपने काम किया उसके फेवर में, ताकि उसको हम फिर से बना सकें। इससे पहले क्या था, इसमें अभी तक जो भी हमारे फंड्स थे उसमें हम फॉरेन एड नहीं लेते थे, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। जैसे सेंट्रल ने प्रीवियसली जब केरला फ्लड आए थे तो उस डिज़ास्टर में इसको मना कर दिया था, बट पीएम ऑफिशियली इस फंड को चेयर करते हैं। नॉमिनीज 3 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं जो बोर्ड के ट्रस्टी होते हैं आज की डेट में, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, डिफेंस मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर, ये सब इसके ट्रस्टी हैं। फंड जो है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, प्रधानमंत्री जो हैं इसके चेयरमैन हैं, अदर मेंबर डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। माइक्रो डोनेशंस भी लेता है, तो हर बंदा इसमें पैसे डाल सकता है। ये फंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट को बूस्ट करने के लिए है और रिसर्च करने के लिए इनकरेज रिसर्च करता है, ताकि सिटीजन्स को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। पीएम केयर फंड्स क्वालिफाई करता है CSR को। CSR जो है ये इकलौता पीएम केयर फंड्स है, इससे पहले वाला नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड में ऐसा कुछ नहीं था। 2013 के कंपनीज एक्ट के थ्रू ये कहा गया है, जिस कंपनी का टर्नओवर नेटवर्थ 500 है या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है, तो उसे अपना एवरेज 2% प्रॉफिट का 3 साल तक लगातार एक सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना पड़ेगा। और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वो होती है बेटा जिसमें ये कहा जाता है कि कंपनी इन्वायरमेंट को जो इफ़ेक्ट डाल रही है और सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी। इससे पहले सेम फंड था जो हमारे पास, एक सिमिलर फंड इसके जैसा है जिसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF बोलते हैं। ये फंड जो है 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ताकि जो बंदे पाकिस्तान से डिस्प्लेस हो गए उनको हम ये रिसेटल कर पाएँ। आज ये फंड जो है वो नेचुरल कैलेमिटीज़, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक के बारे में है जब ऐसा कुछ होता है। ये और यूज़ किया जा सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट में, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट, एसिड अटैक, इनके लिए भी यूज़ किया जाता है। फ़ंड जो है कंसिस्ट होता है, पूरा पब्लिक कंट्रीब्यूशन होता है, इसकी कोई बजटरी सपोर्ट नहीं होता, ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है। इसमें इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, कंपनी, इंस्टीट्यूशन कोई भी फंड डाल सकते हैं।
ये फंड इकलौता ऐसा था जो शेड्यूल्ड का वेरियस फॉर्म्स हैं इसके, ये इन्वेस्ट किया जाता है। डिसबर्समेंट भी इसका प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बिना नहीं होता। ये फंड भी जो है एज अ ट्रस्ट काम करता है, और ये भी टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है। इसे भी प्राइम मिनिस्टर मैनेज करते हैं और मल्टीपल डेलीगेट्स होते हैं नेशनल कॉज के लिए। कंट्रीब्यूशन जो है पीएमएनआरएफ में करते हैं, वो भी 100% टैक्स डिडक्शन में टैक्सेबल इनकम होती है 80G के तहत, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बनाया गया था। पीएम केयर फंड्स जो है ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्वालिफाई करता है, पुराना फंड नहीं करता। अब क्वेश्चन आता है कि 18-19 में 3800 करोड़ रुपये आपका पीएमएनआरएफ में पड़ा हुआ था, और इसमें पूरी डिटेल दी गई है। 2009-10 में 200 करोड़ के आसपास आया, नीला वाला खर्च है आया और आने वाला। ये 18-19 में देखिए कितने सारे पैसे ऊपर हैं, बट खर्चा बहुत कम किया गया। तो ऑलरेडी जब 3800 करोड़ हमारे पास पड़े थे, तो हम उसी में फ़ंड लेके आगे काम क्यों नहीं कर सकते थे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा ये कि अगर पीएमएनआरएफ पहले से बना हुआ था तो उसी में है सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐड करके इसको हम क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज की डेट में ये फ़ंड बन चुका है, और इसके बाद इसके बारे में जब RTI दाखिल की गई तो इन्होंने कह दिया कि ये इसको फॉलो नहीं करता, ये इसमें फॉल नहीं होता, तो हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी डिटेल देने के लिए बाध्य नहीं किया सरकार को। ये बनाया गया था कोरोना वायरस आउटब्रेक के टाइम में, और इसने कई सारे कॉज अटैच हैं। हर बंदा इस कॉज के लिए फील करता है। अर्थक्वेक अंडमान में ये सब जब आती हैं, उड़ीसा में जो पीपल्स के साथ हो रहा है, उन सब पे कंसर्न होता है। बट ये एक पैन इंडिया डिज़ास्टर है COVID-19। इसमें कई सारी पर्सनैलिटीज़ ने बेटा पैसा डाला है, जैसे टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ दिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 500 करोड़, ONCG ने 300 करोड़, इंडियन रेलवे ने 150 करोड़, 151 CR, लसन टर्बो ने 150 करोड़, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने भी दिया है। तो हर बंदा इसमें बेटा, आप सारा ग्रुप पढ़ लेंगे तो सबने दिया। BCCI, कोटक, महिंद्रा, पतंजलि, रतन टाटा ने पर्सनली भी दिया, अक्षय कुमार ने दिया, भूषण कुमार ने, इन सब ने भी पैसा दिया है। तो इसमें कायदे से देखा जाए तो शुरुआत में बहुत सारे फंड आ गए थे, और ये अभी कंप्लीट लिस्ट नहीं है बेटा, ये अधूरी लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, ये अभी कंप्लीट लिस्ट में नहीं आती। इसके बाद है PMNRF जो है वो प्राइमरी पहले से इमीडिएट रिलीफ देता था, जो नेचुरल कैमिटीज़ में, साइक्लोन में, अर्थक्वेक में मर जाते थे, मेजर एक्सीडेंट या राइट्स होते थे उसमें। तो ये पार्शली एक्सपेंस में यूज़ हो सकता था, मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, एसिड अटैक को दिया जाता था। जब PMNRF में फ़ंड था, कमर्शियल बैंक के पास था, सब कुछ था, तो इसी को डायरेक्टली प्रधानमंत्री यूज़ कर सकते थे। फिर अदर कंसर्न ये है कि भाई PM केयर फंड जो आपने बनाया वो आपका ना तो RTI में आता है, ना ही कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया में आता है, तो उसकी इंडिपेंडेंट ऑडिट कब होगी। दूसरा, जब RTR दिया गया, एक PMO में एक्टिविस्ट हैं विक्रम तोगाड़े, उन्होंने जब ये बेटा दिया तो उनसे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप इसमें ये नहीं क्वालिफाई करता, तो भाई जाहिर सी बात है इसके बारे में बता नहीं रहे। PM केयर का वेब पेज है जिसमें अमाउंट जो कलेक्ट हुआ नेम्स और डोनर्स के साथ वो दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। जो डोनेशन और एक्सपेंडिचर है उसकी डिटेल ब्रेकअप नहीं की जा रही है, और PM केयर फंड अभी भी पब्लिक स्क्रूटनी के लिए अवेलेबल नहीं है। ऑल दो कुछ कोशिश की है PM केयर फंड ने सक्सेसफुली, वो है 2000 करोड़ स्पेंड किए गए हैं 5000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स बनाने के लिए, जो गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल्स में दिए जाएंगे ताकि COVID-19 का ट्रीटमेंट स्टेट और यूनियन टेरेटरीज में हो जाए। 1000 करोड़ अलग दिए गए हैं स्टेट वेलफेयर मेजर्स में माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प करने के लिए, एकोमोडेशन, फूड और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। स्टेट वाइज एलोकेशन किया जाएगा, 50% वेटेज होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो हैं उन्हें 40% वेटेज होगा, 10% शेयर स्प्लिट इक्विटी होगा सब स्टेट्स में। PM केयर फंड्स में PM केयर तकरीबन 100 करोड़ रुपए दे रहा है इंडियन एकेडमी को, स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को, जो COVID-19 की वैक्सीन को डिज़ाइन करने की कोशिश कर रही हैं। तो देखिए PM केयर फंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, और अभी इसको बने महीनों नहीं हुए, अभी जो हमारे देश की हालत है, अभी इसमें पैसे आने चाहिए, एक्टिविस्ट को इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये सही चीज़ नहीं है, कि इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और हमारे पास पहले से एक ऐसा फंड अवेलेबल है जिसमें 3800 करोड़ है, उसी को हम यूज़ कर सकते थे। बट जो फंड बनाया गया है वो CSR को देखते हुए बनाया गया, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं इसमें कोई घपला या कोई करप्शन हो रहा है। हाँ, अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, फ्यूचर में पता चलेगा इसमें सच में करप्शन हुआ कि नहीं। होगा तो ये बहुत बड़ा करप्शन होगा, ऑल दो ऐसे कुछ सिचुएशन अभी दिख नहीं रहे, और अगर होगा तो हमारे सामने होगा। अभी पीएम केयर फंड बना हुआ है, उसके बारे में चल रहा है, और अभी उसकी स्क्रूटनी नहीं की जा सकती, आरटीआई के थ्रू से नहीं रखा गया, तो एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। बाकी आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा 48 में पहला फंड बना था और ये अभी 28 मार्च को बनाया गया है, तो अभी बहुत टाइम नहीं हुआ। हाँ, इसमें फ़ंड बहुत ज़्यादा कलेक्ट हुआ, नेशनल कंसर्न था, सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ताकि देश इस पैंडेमिक से उभर पाए, सब कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो वेट एंड वॉच है, अभी भी देखते हैं पीएम केयर फंड कैसे वर्क करता है और फ्यूचर में किस जगह फंसता है किस जगह नहीं फंसता। तब तक के लिए आप इसे ध्यान रखिए। देखिए, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, और प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इन सबको आप याद कर लीजिएगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगे तो आप इसे अपडेट रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल होगा। अगर ये आपका लेक्चर अच्छा लगा, फ्रूटफुल लगा, आपको लगा कि आपके एग्ज़ाम में काम आ सकता है और आपको इससे हेल्प मिली है, तो प्लीज़ दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को भी इससे हेल्प मिले। आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लेक्चर के बाद इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, और प्लीज़ इसमें जितने फॉलोअर्स आप बढ़ा पाएँ बढ़ाएँ, ताकि हम मोटिवेटेड रह सकें और लेक्चर और अच्छे रिकॉर्ड कर सकें। होपफुली आप हमारा सपोर्ट करेंगे, तभी हम आपके लिए और मेहनत कर पाएंगे। COVID-19 से बचने की कोशिश करें, अनलॉक स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे एकेडमीज़ भी खुल जाएंगी, तो स्प्रेड होना थोड़ा इजी हो जाएगा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज़ में है, तो प्लीज़ बी अवेयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो बाहर हैं प्लीज़ मास्क पहनें, अपने हाथ बार बार धोए, सैनिटाइजेशन का यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें क्योंकि डिजीज़ ख़तरनाक है। किसी को सर्दी खांसी बुखार जुकाम हो उससे दूर रहें, ताकि आप इस डिजीज़ को अपने घर लेके ना आए, क्योंकि आपके घर में आपका जो वेट कर रहे हैं वो बीमार नहीं होना चाहते। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।